अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मोफिन रफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों को टीचर ऑनलाइन चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस पहली क्लास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में भी मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग की क्लासेस के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को सीखेंगे और साथ के साथ हम C++ के ऊपर भी सीखेंगे। C++ के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में सीखेंगे और इसके डिफरेंट हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग इन सीरीज ऑफ क्लासेस की इब्तदा कर रहे हैं और इन सीरीज ऑफ क्लासेस के अंदर हमारी आज की पहली क्लास है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, आज की हम इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर। क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग है क्या। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, और डिफरेंट जगहों पर प्रोग्रामिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के लिए हमें कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उनको सीख लें तो हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी। उसके साथ आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग के लिए और कोडिंग के लिए या उसको लिखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब हम रेसिपी फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग है क्या। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि प्रोग्रामिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है किसी भी मसले को हल करने के लिए। अब देखें, हमें यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही है जार की और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जार है क्या, या इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या अगर हम ये कहें कि इस जार के अंदर अगर हम एक पौधा लगाना चाहें तो वो कैसे लगाएंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके लिए हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें देखें, अगर हम बात करते हैं कि हमने इस जार के अंदर एक पौधा लगाना है, तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इसके अंदर एक मिट्टी डालें और फिर उस मिट्टी के अंदर बीज पुट करें। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमें उस बीज डालने के बाद उसको हमने पानी भी लगाना है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप की अगर बात करते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ बीज और पानी की ज़रूरत है बल्कि उस पौधे को उगने के लिए सूरज की तपिश या गर्मी की भी ज़रूरत है, तो वो हीट भी सूरज से मिल रही है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो स्टेप है उसमें हमारे पास एक पौधा बन गया और हमारा जो मसला है जो हमसे पूछा गया था कि इस जार के अंदर हम एक पौधा कैसे उगाएंगे, वो हल हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे लाइफ के अंदर, हमारे कंप्यूटर फील्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। या अगर हम बात कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस की, या हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, या हम किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, या हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमें कहा जाता है कि जी यू हैव टू डिवेलप अ सॉफ्टवेयर, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमने उसको एज अ प्रॉब्लम लेना है कि ये हमारी एक प्रॉब्लम है और फिर उसके हल के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन स्टेप्स को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल इसी पौधे की तरह हम वो सॉफ्टवेयर बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग। तो आगे हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग की इम्पॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है, मतलब प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्यों इतनी अहम है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैंने लिखा है, सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम।
कि हमारे पास जो डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं या हमारी वो वर्क प्लेस के ऊपर अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनका वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मैंने पॉइंट लिखा है वो क्रिटिकल रीडिंग, वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम उस प्रॉब्लम को क्रिटिकली रीड करें और एनालाइज करें। और थर्ड पे है एनालिटिकल थिंकिंग, और फिर हम उसके बारे में सोचें कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एनालिटिकल थिंकिंग में आ गया। उसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है कि हमें जो प्रॉब्लम आई है हम उसके ऊपर क्रिटिकली रीड करें, उसके ऊपर एनालिटिकल थिंकिंग करें और उसके बाद उसका एक बेहतर और नया सोल्यूशन दें। क्रिएटिविटी का मतलब भी यही है कि आप एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, जिद्दत लेकर आ रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग जो है वो इसलिए अहम है कि वो हमें फ्राहम करती है प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वो हमारी क्रिटिकल रीडिंग को बेहतर करती है, वो हमारी एनालिटिकल थिंकिंग को बेहतर करती है और वो हमारे अंदर क्रिएटिविटी पैदा करती है। इसलिए हम प्रोग्रामिंग को पढ़ते हैं या इसलिए प्रोग्रामिंग बहुत अहम है। इसके साथ ही आज हमने ये भी देखना है कि प्रोग्रामिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या कौन सी ऐसी स्किल्स हैं अगर हम उनको फॉलोअप करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है या जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो हमारी बेहतर हो जाएगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है पेइंग अटेंशन टू डिटेल। सबसे पहली जो और अहम बात ये है कि आपने जो डिटेल आपको दी गई है या जो आपको सॉफ्टवेयर बनाने का कहा गया है उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उनको बहुत अटेंटिव तरीके से देखना है। ये हमारी पहली स्किल होगी। उसके बाद आई थिंक अबाउट दी रीयूजबिलिटी कि आपने एक काम जो कर लिया है उसको आपने बार बार यूज़ करना है, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर और वी आर गोइंग टू डिवेलप अ सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमने ये देखना है कि एक स्टूडेंट का जो आईडी है उसके ज़रिए हम उसका नेम भी गेट कर सकते हैं, उसी के ज़रिए हम उसका एड्रेस भी गेट कर सकते हैं, उसी के ज़रिए जो है हम उसका फादर नेम भी गेट कर सकते हैं। तो ये सारी रीयूजबिलिटी हो गई उस स्टूडेंट के रोल नंबर की या उस स्टूडेंट के आईडी की। तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक जो अहम स्किल की ज़रूरत है वो रीयूजबिलिटी है कि हमने रीयूजबिलिटी के बारे में सोचना है और हमने उस सॉफ्टवेयर या उस प्रॉब्लम के अंदर ये देखना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या कौन सी चीज़ एक ऐसी है जो हम बनाएंगे उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो है थिंकिंग अबाउट यूजर इंटरफेस कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं या जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इट्स ऑन यूजर फ्रेंडली कि वो यूजर फ्रेंडली है, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो यूजर फ्रेंडली है। देखते ही लोगों को समझ आ जाता है कि अगर हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐड होगा, अगर हम क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली के आसानी से ही समझ आ गया। उसके बाद है कमेंट द कोड कि हमने जो भी कोड लिखना है प्रोग्रामिंग के अंदर उसको हमने कमेंट करना है कि हमने काफ़ी अरसे के बाद अगर हम उसी फाइल को दोबारा ओपन करें तो हमें वो कमेंट्स के ज़रिए ही पता चल जाए कि हमने ये जो कोड है वो किस मकसद के लिए लिखा है और इस कोड के ज़रिए क्या मतलब एग्जीक्यूट होगा। लास्ट में जो मैंने चीज लिखा है वो अंडरस्टैंड द फैक्ट्स दैट कंप्यूटर आर स्टूपिड, हमने फैक्ट्स को देखना है, फिगर्स को देखना है, बल्कि ये नहीं कि हम सारी चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर डालें, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, हमने उसे इंस्ट्रक्शन बतानी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं या ये वो सारी स्किल्स हैं जो हमें प्रोग्रामिंग के अंदर हेल्प करेंगी और इन स्किल्स का हमारे पास होना ज़रूरी है। इसके अंदर हमारी जो पहली है वो अटेंशन टू डिटेल है, सेकंड जो है वो थिंक अबाउट द रीयूजबिलिटी है, थर्ड जो है वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस हैं और फोर्थ पे जो है वो कमेंट करना है हमने और लास्ट में जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना है, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट नहीं होना बल्कि हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है। दोस्तों आज की हमारी इस डिस्कशन का या जो हमारी पहली क्लास है उसमें जो लास्ट पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है वो है डिवाइन रेसिपी।
कि हम एक प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एनालाइज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है या जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, हमने उनको एनालाइज करना है और उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ अटैच करना है। जैसे हमने शुरू में देखा कि हमें एक जार दिया गया है और उसमें हमें पूछा गया कि हमने इसके अंदर पौधा कैसे पुट करना है, तो हमने उसको एक रियल वर्ल्ड में लिया है कि जी एक पौधा कैसे लगाते हैं। तो जब हम उस चीज़ को रिलेट कर लेंगे अपनी रियल वर्ल्ड के साथ, तो हमारे लिए जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उस प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाएगा। इसके बाद है एक्सप्रेस इट विद एग्जांपल। ये वही बात आ गई जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने अपनी उस प्रॉब्लम को एग्जांपल के साथ कोरिलेट करना है। जब हम उसकी कोई एग्जांपल, कोई मिसाल बना लेंगे तो हमारे लिए कोड करना आसान हो जाएगा। उसके बाद है जी फॉर्मुलेट इट इन अ प्रिसाइज लैंग्वेज, कि हमने जो है फिर उसे एक प्रिसाइज लैंग्वेज के अंदर लिखना है उस प्रॉब्लम को या उसको फॉर्मुलेट करना है। जैसे हम अपनी इफ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्लासेस के अंदर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उनको अपनी C++ लैंग्वेज के अंदर फॉर्मुलेट करेंगे। इसके बाद है चेक इट एंड मेक पॉसिबल सॉल्यूशन, फिर हमने जो है उसको चेक आउट करना है जो हमने फॉर्मुलेट किया है या जो कोड किया है, फिर उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसकी तरफ मूव करना है। उसके बाद हमने उसको टेस्ट करना है, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बेहतर है, अगर वो सॉल्व नहीं होती तो फिर हमने उसको रिवाइव करना है। तो ये हमारी डिज़ाइन रेसिपी आ गई। दोस्तों, हमारी इस पहली क्लास के अंदर हमने सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करनी थी। हम क्विकली इसको समराइज कर लेते हैं कि आज के लेसन के अंदर हमने क्या सीखा है और क्या पढ़ा है। दोस्तों, सबसे पहले हमने ये देखा है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग है क्या। उसके बाद फिर हमने ये बात की कि वाई प्रोग्रामिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये मतलब क्यों अहम है। तीसरे नंबर पे हमने बात की व्हाट स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रोग्रामिंग, हमें कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग करते हुए। और लास्ट में हमने देखा कि व्हाट इज प्रोग्राम डिफाइन रेसिपी, और हमारी प्रोग्राम डिफाइन रेसिपी क्या होगी। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की ये जो पहली क्लास है ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।